लाइफ में काफ़ी चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट एज ह्यूमंस क्या करें, मतलब अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हमें तो फिर भी उसकी टेंशन लेनी ही है, हमें तो ओवर थिंक करना ही है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था। बट आई हैव लर्न्ड मतलब इतनी सारी चीज़ों के बाद कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है एंड यू कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट, अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या रिजल्ट रहने वाला है, तुम बस मेहनत कर सकते हो, तो आई थिंक तुम्हें बस मेहनत करनी चाहिए एंड ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एंड जैसे हम छोटे होते हैं ना, तुम्हारी लाइफ गोल्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, हमें रियलिटी का इतना पता नहीं होता, हम बस जो हमें दिख रहा होता है, जो हमारे सपने होते हैं, हम बस वही अचीव करना चाहते हैं उस टाइम पे। सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट, एंड जैसे मैं बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा तो मेरे को समझ आया कि पायलट बनने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अब बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली ये तो पॉसिबल नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर 80-90 लाख रुपए लगाएं एंड फिर भी शायद मैं जॉबलेस रहूं। तो नहीं हुआ, जब 9th-10th में आए तो गॉट टू नो अबाउट HTML CSS, मैंने ज़िद कर ली मेरे को तो PC चाहिए। अब उन्होंने भी ज़िद कर ली कि अगर PC चाहिए तो तेरे को मतलब IT लेनी पड़ेगी 9th-10th में। तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं, क्या ही है कर लेंगे। एंड IT में 9th-10th वाले में कुछ सिखाते नहीं हैं, कॉपी पेस्ट करना सिखाते हैं, बट पेरेंट्स को तो लग रहा था कि पता नहीं क्या ही सीख लेगा। लेकिन या गॉट माई फर्स्ट PC, बहुत ही बेकार कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी, इट हैड लाइक 1 GB रैम एंड इंटेल पेंटियम ड्यूअल कोर प्रोसेसर, बट या इट यूज़ टू गेट द वर्क डन। बहुत उसमें NFS खेला है, मोस्ट वांटेड, भाई ने GTA खेला, भाई ने बहुत गेम्स खेले हैं उसमें, मैंने तो फिर भी कम खेले हैं। बट या दैट वॉज द फर्स्ट PC, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई लाइक गॉट टू लर्न और नो अबाउट प्रोग्रामिंग, मैं टेक्नोलॉजी से टच में था। फिर HTML CSS तो बस चल गया, काम पढ़ लिया थोड़ा बहुत, निकाल लिया एग्ज़ाम्स। 11th में आने के बाद पता चलता है कि कंप्यूटर साइंस अगर तुम लेते हो तो ही बहुत मोटे मोटे पैकेजेस मिलते हैं। न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है 8 लोगों को NSIT से 1 करोड़ का पैकेज मिला है एंड दे विल बी वर्किंग एट गूगल, एंड वो भी इंडिया में नहीं बाहर जाके। सो उस टाइम इतना तो पता था कि IIT तो शायद नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा फिर भी फीजिबल लग रहा था। सो व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर JEE एज अ नॉर्मल किड जिसने साइंस ले ली होती है, तो कर लिया शुरू, पढ़ लिया, निकल गया JEE एंड गॉट इन टू NSIT। एंड आई थिंक दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जिसके बाद मेरे को एक्चुअली एक अच्छा पीयर ग्रुप मिला, अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने फिर मेहनत करनी स्टार्ट करी। मेरे को समझ आया कि पीयर ग्रुप का, मेंटर्स का कितना ज़्यादा लाइक रोल रहता है तुम्हारी लाइफ में। बट मेंटर एज सच कोई था नहीं, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन जिसने एक्चुअली इंजीनियरिंग चूज़ करी फर्स्ट, मतलब अपने फैमिली में। तो जो भी चीज़ें थी मैं खुद ही एक्सप्लोर करता था, खुद ही ढूंढता था, खुद ही समझता था, खुद ही ट्राई करता था, एंड काफ़ी बार फेल होता था, काफ़ी बार फेल होने के बाद सीखता था। बट हाँ, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच हेल्प मी लाइक बिकम वट आई एम, कि मैं तुम लोगों की भी इतनी हेल्प कर पाता हूँ, आप लोगों की भी इतनी हेल्प कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें खुद लाइक एक्सपीरियंस करी हैं, खुद से सीखी हैं। तो हाँ, इस वाली वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई जर्नी एंड माई मिस्टेक्स विच यू शुड नॉट डू इफ़ यू आर लर्निंग टू कोड एंड इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी हो। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना, लाइक ज़रूर कर देना, एंड या लेट्स गेट स्टार्ट। कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में एज अ नॉर्मल किड मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्लासेस जाता था, कुछ क्लासेस मिस करता था, दोस्तों के साथ घूमता था, एंड यही था। ऐसे करते करते हमारा पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया। फर्स्ट ईयर निकलने के बाद मेरे को समझ आया कि यार अब मैंने कंप्यूटर साइंस ले तो लिया है, JEE में मैं मार्क्स ले तो आया हूँ, बट दैट इज़ नॉट द एंड। मेरे को अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी अगर कंपनी निकालनी है, उस टाइम तो मेरा गोल था नहीं वैसे कि कोई बड़ी कंपनी निकालनी है, द ओनली गोल आई हैड वॉज कि 12 लाख से ज़्यादा की जॉब चाहिए, 12 LPA मुझे चाहिए, 1 लाख पर मंथ वाली सैलरी चाहिए। उस टाइम तो CTC बेस, स्टॉक्स, ये वो कुछ भी नहीं पता था, बस यही एक गोल लेके मैं चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये करने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। आसपास वालों से पूछा क्या पढ़ना होता है, उनके बड़े भाई बहन थे तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या चीज़ एक्चुअली पढ़नी होती है। तो उन्होंने बोला DSA करना होता है, मैंने कहा ठीक है, गूगल किया, पहुँचे पता चला ये क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसे करने होते हैं। स्कूल टाइम पे मैंने पाइथन करी थी तो C++ का मेरे को कोई आइडिया नहीं था, C++ सीखने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, बट या लर्न इट अच्छे से। C++ तो काफ़ी अच्छे से पढ़ ली थी, थोड़ा बहुत समझ आ गया था, एंड स्टार्टेड कोडिंग, डिड अ कोर्स। कोर्स करने के बाद आई गॉट टू लर्न अबाउट DSA, बट 2 महीने में
हमने बस वहीं तक किया था जहाँ तक नॉर्मल लोग करके छोड़ देते हैं, वो होता है ट्रीज़। ग्राफ्स और डीपी सुनते ही ऐसे बदन में करंट सा दौड़ने लगता था कि भाई ये तो कैसे ही होगा, ये कैसे करेंगे, एंड ये बहुत बड़ी गलती थी। फिर दूसरी जो गलती थी कि जल्दी से गिव अप कर देना, प्रॉब्लम 10 मिनट में ही देख लेना कि नहीं हो रही तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, एंड सॉल्यूशन देखने के बाद भी सारे एडिटोरियल ना पढ़ना, बस जो सबसे ऊपर सॉल्यूशन है वो देख के आगे बढ़ जाना। ये करते करते कॉलेज स्टार्ट हो जाता है थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, एग्जाम्स वगैरह आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, एंड दोस्तों ने बोला कि रेज्यूमे भी बनाना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम गूगल स्टेप एक आया था इंटरनेशनल। इंडिया में तो इट्स ओनली फॉर गर्ल्स, बट बाहर सबके लिए होता है। सेकंड ईयर में मेरे को लगा यार कहाँ ही मेरा कुछ होगा, बट दोस्त ने बोला कि कर लेते हैं ट्राई। तो जल्दी जल्दी में एक दो प्रोजेक्ट्स बनाए जो कि बहुत ही बेकार थे, तो उम्मीद तो वैसे ही नहीं थी, बट उससे पता चला कि रेज्यूमे में बनाना पड़ता है। रेज्यूमे में तुम्हें प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, एंड प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है हैकाथॉन्स। अब हैकाथॉन्स में जाना है, किसी टीम का पार्ट बनना है, तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए, एंड अब तक की पूरी स्टोरी में मैंने कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी थी। तो लग गए फिर से काम पे, एंड हमने HTML CSS तो स्कूल टाइम पे थोड़ा बहुत किया ही था, तो सोचा वेब डेवलपमेंट ही कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, ट्यूटोरियल हेल में घुस गए, ट्यूटोरियल्स पे ट्यूटोरियल्स देके जा रहा हूँ, 2-3 कोर्सेज खत्म कर डाले। रिएक्ट भी सीख लिया, HTML भी सीख लिया, जावास्क्रिप्ट भी सीख लिया, फ्रंट एंड बैक एंड सब सीख लिया। कोड करने बैठा हैकाथॉन में, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो दिस वॉज द सेकेंड मिस्टेक एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, कि हम ट्यूटोरियल हेल में चले जाते हैं, हम बस ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली इसका यूज़ क्या है। तो या ये नहीं करना है, साथ साथ कोड करते रहना होता है, एंड कोड करने का ये मतलब नहीं है कि जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसको कॉपी कर लिया, खुद से ट्राई करना होता है। खुद से नहीं ट्राई करोगे तो नहीं सीखोगे। ये टाइम भी निकला, कुछ आकर था उसमें पार्टिसिपेट किया, जाके समझ आया कि ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, फिर से सीखना स्टार्ट किया, फिर से थोड़ी बहुत सीखा, एंड ये सब करते करते सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया। सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद हमें पता चलता है कि 2 महीने बाद हमारे लिए आएंगी कंपनीज, इसमें हमें इंटर्नशिप मिल रही होगी, एंड जो पैसे कमाने वाला गोल था वो तो कॉन्स्टेंट ही है, एंड इंटर्नशिप ज़्यादा लोगों की नहीं लगती थी। इंटर्नशिप मतलब पूरे कॉलेज में से ऐसे 10-20% लोगों की ही लगती थी, तो यार उस 10-20% में आना भी एक अचीवमेंट ही थी। तो गोल तो ये था कि बस आ जाओ, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद पैसे मिलेंगे। कुछ ऐसे ख्वाहिशें थी जो पूरी करनी थी, एंड वो उसी के बाद हो सकती थी। तो फिर से लग गए काम पे। इस बार क्या किया अलग, हमने अपने एक सीनियर से पूछा जो इंटर्नशिप पे बैठे थे कि कहाँ से प्रिपेयर करना होता है, एंड यहाँ पे बात आती है मेंटर्स की। सो दिस इज़ समथिंग विच आई लर्नड अ लिटिल लेट। अगर मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में ही कोई मेंटर्स पकड़ लेता जो मेरी हेल्प कर सकते थे तो बढ़िया रहता, एंड ऐसा नहीं कि एक साल बड़े उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है बट बहुत अच्छा नहीं होता। आई वुड रिकमेंड यू कि तुमसे मिनिमम 3 साल बड़ा कोई हो, दे विल हैव मोर एक्सपीरियंस देन एनीवन एल्स। अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो वो ग्रेजुएट कर चुके होंगे, अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो अभी 1 साल उनको एक्सपीरियंस हो गया, अगर वो फोर्थ ईयर में हो तो उनको उस टाइम तक 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो जो तुम लाइफ प्रॉब्लम्स इस टाइम पे फेस कर रहे होगे वो सब उन्होंने लाइफ प्रॉब्लम्स थोड़े दिन पहले ही रिसेंटली फेस की होंगी, तो इट विल बी इन देयर मेमोरी। उनको पता होगा कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको टैकल करना है, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो इनएक्सपीरियंसड है तो वो तुम्हें सबसे अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। अब ये एक प्रॉब्लम होती है, ये अच्छे कॉलेज में तुम्हें मेंटर्स मिल जाते हैं, बट इफ़ यू आर फ्रॉम टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज तो समटाइम्स द सीनियर्स ऑल्सो डोंट हैव एन आइडिया कि कैसे चीज़ें करनी हैं। तो हेयर कम्स अ वेरी अमेजिंग स्टार्टअप विच आई रिसेंटली वॉट टू नो अबाउट, दैट्स प्रीप्लेस्ड। मैंने साहिल जो इसके को फाउंडर एंड लाइक CEO हैं उनसे बात करी, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करी, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। So what I did is I joined them to like help spread this awareness कि कैसे तुम mentors को like ढूंढ सकते हो। So the startup is pre-placed, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे mentors मिल जाएंगे, they have industry experience for more than 7-8 years also। So तुम कहीं अटके होगे तुम mentor के पास जाके पूछ सकते हो, they'll be with you throughout the process, throughout your journey, and you can definitely check it out। Curated mentors हैं, इसलिए कोई भी जाके register नहीं कर सकता है। The team has to reach out to them and then only that person can be a mentor on the platform। तो बहुत ही ऐसे selective mentors हैं, and yeah, you can get 30% off, level up 30 code use करोगे because I'm part of the team, तो मैंने तुम्हारे लिए अलग से discount भी करवा दिया, तो जाओगे तुम्हें 30% off मिल जाएगा। Go definitely check this out, I like really love the vision। Mentors मिलेंगे तो तुम्हें help मिलेगी कैसे चीज़ें करनी है, and yeah,
तो मैंने अपने, मेरे को तो मेरा कॉलेज अच्छा था एंड सीनियर्स मेंटर्स थे कुछ, अभी गूगल में काम कर रहे हैं. सो आई जस्ट आस्क देम कि कैसे करना होता है. दे जस्ट टोल्ड मी कि ग्राफ डीपी किया था. मैंने बोला नहीं. उन्होंने बोला कर लो, क्योंकि इंटर्न में तो उन्हें देखा था नहीं नहीं हुआ कुछ. तो डीएसए वगैरह फिर से पढ़ना शुरू किया मैंने, थोड़ा बहुत किया. एंड फिर से वही गलती करी कि बस क्वेश्चंस करता गया, क्वेश्चंस करता गया, क्वेश्चंस करता गया. एंड इंटर्नशिप के टाइम पे पता चला जो क्वेश्चंस एक्चुअली करने थे वो मैंने नहीं किए, बिकॉज मेरे पास उस टाइम मेंटर नहीं थे. बट जब मैं इंटर्नशिप में बैठ गया, इंटर्नशिप के लिए जब मैंने 5, 7, 10 rejections फेस कर लिए, तब सैमसंग आई. एंड सैमसंग वॉज पेइंग 50,000 एट दैट टाइम पर मंथ. 2 महीने की इंटर्नशिप थी तो 1 लाख रुपये मिल रहे थे. तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे. इजी डीएसए क्वेश्चंस पूछे गए ट्रीज तक के, ग्राफ डीपी नहीं था तो लकीली मैंने वो क्लियर कर लिया. इंटरव्यू के टाइम भी उन्होंने इजी क्वेश्चंस पूछे थे तो वो भी मैंने क्लियर कर लिए. एंड या आई गॉट एन इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम सैमसंग. बट आई ऑलवेज थॉट कि यार इससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ. बट किसको फ़र्क पड़ता है, पीपीओ मिलता तो 16 लाख का था ही. एंड या आई थिंक जो गोल था कॉलेज में आने के बाद वो तो फुलफिल हो रहा था. सो इंटर्न लगने के बाद मस्त हमने चिल करना स्टार्ट किया. चिल करते करते काफ़ी सारी चीज़ें और करी. फेस्ट में काम किया, अपने जो सोसाइटीज़ में पार्ट थे उनमें और ज़्यादा काम किया. बट हैकाथॉन्स वगैरह फिर से थोड़ी सी कम कर दी. बट देयर केम एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जिसमें तुम पार्टिसिपेट करते हो, तुम्हें नेशनल लेवल पे कम्पीट करने का मौका मिलता है. एंड यू ऑल्सो लाइक अर्न 1 लाख रुपीज़. तो पैसे कमाने का यहाँ पे भी एक मौका था. 6 लोगों की टीम होती है, तो अगर तुम जीतते हो तो डिवाइड बाय 6 होता है. बट यार स्टिल यू गेट एन एक्सपीरियंस प्लस यू गेट सम मनी. तो दोस्तों के साथ टीम बनाई, हमने अप्लाई किया. एंड हम इंटरनल हैकाथॉन में, पहले जो कॉलेज में होती है उसमें हम सेलेक्ट हो गए. हमने अपना सॉल्यूशन सबमिट किया एंड हम एक्सटर्नल के लिए भी सेलेक्ट हो गए. एंड हमारी एक्सटर्नल की डेट आई थी अप्रैल में. एंड यहीं से होता है सारा कहानी का ट्विस्ट स्टार्ट. अब कोविड आ गया तो लाइक देर वॉज सम अदर प्लान फॉर मी. मैं तो यही सोचता हूँ. तो सैमसंग की तरफ से कोई रिवर्ट आया नहीं. एंड सैमसंग इज़ अ कंपनी जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नाम की चीज़ कुछ होती ही नहीं थी. यहाँ पे सारा काम ऑफिस के डेस्कटॉप पे होता है, तुम घर पे लैपटॉप नहीं ले जा सकते. सो इट वॉज सर्टेन कि शायद सैमसंग इंटर्नशिप ना करवाए. तो अप्रैल में तुम्हारे भाई ने कर दी कोडिंग स्टार्ट. इस बार ही पकड़े अपने सीनियर्स जो प्लेस हो चुके थे कि भाई बताओ मेरे को कहाँ से पढ़ूँ मैं, क्या करूँ मैं. जो लोग ग्रेजुएट हो चुके थे करेंटली अडोबी गूगल अमेजोन में काम कर रहे थे, उनको पकड़ा कि यार कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इंटरव्यूज देने चाहिए, रिज्यूमे मेरा चेक कर लो. ये सारी चीज़ें कराई मैंने एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. इस बार ही ग्राफ डीपी बिल्कुल नहीं छोड़ा. आई डिड लाइक 350-400 क्वेश्चन. अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, टाइम दिया क्वेश्चन को समझने के लिए, एडिटोरियल्स पढ़े. एंड सब कुछ करने के बाद हम प्लेसमेंट सीजन में बैठ गए. आई वॉज इन NSIT, सो मेरे को ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए ऑन कैंपस कंपनीज आ जाती हैं. बट ड्यू टू कोविड गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं आए थे. अमेजोन केम अ लिटिल लेट. एंड सबसे पहले कंपनी जो आई थी दैट वॉज एटलाशियन एंड द सेकेंड कंपनी वॉज क्योरफिट. एटलाशियन का टेस्ट नहीं क्लियर होता है, थोड़ा सा दुख हुआ. बट नेक्स्ट डे क्योरफिट का टेस्ट था एंड अमेजोन का टेस्ट था, बिकॉज अमेजोन ऑल्सो केम. क्योरफिट का टेस्ट दिया, कम ही होप्स थी. एंड देन अमेजोन का टेस्ट दिया, उसमें काफ़ी होप्स थे. नेक्स्ट डे रिजल्ट आता है क्योरफिट का. आई वॉज द लास्ट वन हु गॉट सेलेक्टेड. एंड या सबसे एंड में नाम था, 13 लोगों की लिस्ट थी. आई वॉज द 13th वन, जस्ट क्लियर द कट ऑफ सम हाउ गिरते पड़ते. बट हाँ, भाई के इंटरव्यूइंग स्किल्स थोड़े अच्छे थे तो मैंने इंटरव्यूज दिए. 3 राउंड इंटरव्यूज हुए. आई वॉज एबल टू इम्प्रेस ऑल द 3 इंटरव्यूअर्स. एंड ओनली 3 पीपल गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज एंड आई वॉज वन ऑफ देम. सो डे 2 पे तुम्हारे भाई ने प्लेसमेंट क्रैक कर ली. एंड आई थिंक इसमें सारी चीज़ें जो मैंने मिस्टेक्स करी थी लास्ट टाइम वो मैंने रिपीट नहीं करी. मैंने एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ा. मैंने क्वेश्चंस बस नंबर अचीव करने के लिए नहीं करे, मैंने उनको समझने के लिए किया. एंड आई टुक हेल्प फ्रॉम माई मेंटर्स, मतलब उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या करना होता है. ज़्यादा स्मार्ट नहीं बने कि सब अपने आप ही कर लेंगे, लोगों से पूछ लेना चाहिए जो पहले से इस चीज़ में एक्सपीरियंस है. एंड या तो ज़िंदगी फिर से अच्छी लगने लग गई. 18 लाख रुपए बेस सैलरी एंड ESOPs, VSOPs, काफ़ी और चीज़ें भी थी. तो वो 1 लाख वाला सपना 1.5 लाख पे पहुंच चुका था, तो जो जितना सोचा था उससे तो ज़्यादा ही अचीव कर लिया था. लेकिन फिर से लाइफ के कुछ अपने ही गोल्स थे. तो कोविड फिर से आया, सेकेंड वेव, थर्ड वेव.
कॉर्पोरेट साइड वी आर डूइंग सम इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, उनके को फाउंडर्स की कुछ लड़ाई हुई, कुछ कुछ हुआ एंड दे डिलेड द ऑफर. अब बींग अ स्टार्टअप दैट ऑल्सो हेल्थ केयर एंड फिटनेस, अब तुम घर से ही बाहर नहीं निकल पाओगे तो तुम कैसे ये सारी चीज़ें करोगे. तो आई थॉट यार अगर ये अभी डिले कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये रिवोक भी कर लें. बट क्योरफिट बींग अ वेरी गुड कंपनी दे डिडंट डू दैट. बट तुम्हें नहीं पता ना, तुम तो अपना हाथ पैर मारना स्टार्ट करोगे. आई ट्राइड, आई स्टार्टेड गिविंग मोर इंटरव्यूज़, फिर से 4-5 कंपनीज में रिजेक्ट हुआ. आई गिव इंटरव्यू फॉर सेल्स फोर्स, इंटिवेट एंड 2-3 मोर, बट कुछ नहीं हुआ. कुछ कंपनीज के टेस्ट क्लियर नहीं होते थे, कुछ के इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते थे. बट देन केम माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में नहीं आई थी उस साल, तो दे जस्ट मेल्ड देयर करंट इंटर्न्स की यार तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसको बता दो कि हम हायर करने वाले हैं, वी आर डूइंग एन ऑफ कैंपस ड्राइव, तो अप्लाई कर दो इस वाले लिंक पे जाके. मैंने अप्लाई किया, टेस्ट लिंक आया, टेस्ट लिंक में पार्टिसिपेट किया, गिव द टेस्ट, तीनों क्वेश्चंस कर दिए. तीनों क्वेश्चंस तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस में किए, एक जावा में किया, एक सी प्लस प्लस किया, एक पाइथन में किया. सो इफ़ यू नो मल्टीपल लैंग्वेजेस समटाइम्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल. टेस्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यूज भी हो गए. आई लाइक परफॉर्म्ड प्रीटी वेल बिकॉज मेहनत कर ली थी, जो जो गलतियाँ मैंने फिर से अभी रिजेक्शंस के टाइम करी थी वो नहीं की, एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. इस पूरी जर्नी में 2-4 चीज़ें जो तुम्हें सीखने को मिली होंगी. एक तो बिलीव इन योर सेल्फ यार, इफ़ यू थिंक कि मैं कर सकता हूँ तो ही तुम कर पाओगे, द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट. अगर तुम्हें लगेगा यार नहीं यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, कैसे होगा, मेरे से तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, भाई टेंशन मत, तुम बहुत स्मार्ट हो, अपने आप पे भरोसा रखो, प्रैक्टिस करो. सेकंड चीज़ इज डोंट रन फॉर नंबर्स कि 500 क्वेश्चंस कर लिए, 900 क्वेश्चंस कर लिए, 1000 क्वेश्चंस कर लिए, नहीं. डू 200, 300, 400 क्वेश्चंस, बट डू क्वालिटी क्वेश्चंस जो एक्चुअली पूछे गए हैं, जिसमें तुम कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, एंड सेम टाइम के टाइप के क्वेश्चंस रिपीट नहीं करने चाहिए. जस्ट डू दैट जब तक तुम्हें वो अप्रोच समझ ना आने लग जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. थर्ड इज मेंटर्स. If you are from a tier 2, tier 3 college and you don't have access to mentors, definitely check out Preplaced. I would highly recommend you guys कि तुम जाके check out कर सकते हो, because I have myself gone through the list of mentors, their experiences and everything, and they are really experienced with a lot of knowledge and वो काफ़ी अच्छे से help कर पाएंगे. So yeah. बगैर आप लोग बताओ what type of videos do you want to watch. This was the whole journey. These are the mistakes which I did and I would ask you guys to not do. फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मैंने लिखी थी अपने 9th क्लास में, एंड या करेंटली आई एम वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड लास्ट 2 साल से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, काफ़ी सारे फीचर्स डिलीवर करे हैं, काफ़ी सारी कोडिंग करी है, काफ़ी लोगों को हेल्प करी है. तो आई थिंक आई हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड जो वो गोल था वो 1 लाख वाला, वो तो पूरा हो ही गया था. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी. किस टाइप की वीडियोस और चाहिए तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज आई थिंक तुम पॉडकास्ट से थोड़े से तो बोर हो गए हो, बट स्टिल डू लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस डू यू वांट. वी विल बी एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट. मैंने कुछ और मस्त मस्त आइडियाज सोचे हुए हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ जल्दी ही. एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.